नमस्ते, मैं अल्पना वर्मा आज आपको पाठ नेताजी का चश्मा पढ़ाने जा रही हूँ, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 1947 में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में हुआ था और आज भी लेखन में ये बहुत सक्रिय हैं। इनका एक इंटरव्यू हाल ही में एक लीडिंग न्यूज़पेपर में छपा था। फेसबुक पर इनके नाम से एक पेज भी है जहाँ इनकी गतिविधियों के बारे में आपको जानकारी मिल सकती है। नेताजी का चश्मा, जैसा कि कहानी का शीर्षक ही बता रहा है कि यहाँ किसी नेताजी के चश्मे के बारे में बात हो रही होगी। बिल्कुल सही, यहाँ एक नेताजी के चश्मे के बारे में बात है। अब नेताजी कौन है, इतिहास के पन्नों को पलटें तो हम देखेंगे कि सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से याद किया जाता है। सुभाष चंद्र बोस कौन है? सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। भारत को स्वतंत्रता दिलाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने आजाद हिंद फौज का निर्माण किया था और उनको जब हम याद करते हैं तो उनका चित्र हमारे दिमाग में आता है, तो उस चित्र में उनके चेहरे पर एक टोपी और उनका चश्मा हमें बरबस याद आ जाता है। उनका चश्मा, इसी चश्मे के बारे में यह कहानी है। और क्या कहानी है? एक कस्बे की कहानी है। कस्बा क्या होता है? गांव से बड़ा, शहर से छोटा। तो एक कस्बे की कहानी है जहां एक बाजार है और बाजार में एक चौराहा है। चौराहा कहां क्या होता है? चौराहा मीन्स चार राहों का समाहार, जहां चार राहें आकर मिलती हैं, उसको हम चौराहा कहते हैं। और इसी चौराहे पर लगी है एक मूर्ति जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की है। इस कहानी में तीन पात्र हैं, तीन कैरेक्टर्स हैं। एक तो हालदार साहब, जो हर 15वें दिन उस चौराहे से गुजरते हैं। उनकी जो जीप है वो ड्राइवर चला रहा है, तो यकीनन किसी कंपनी में अच्छे पद पर आसीन होंगे। दूसरा पात्र है पनवाड़ी, पान बेचने वाला, जो बिल्कुल एक टिपिकल पनवाड़ी की तरह चित्रित किया गया है इस कहानी में। मोटा, काला, जिसकी तोन निकली हुई है, पेट निकला हुआ है और मुंह में पान ठूंसे रहता है। जब भी कोई बात करता है तो उसको पहले पान थूकना पड़ता है, पीक थूकनी पड़ती है, उसके बाद वो बात करता है। और वो बहुत ही कैजुअली हर बात का जवाब देता है, मजाक बनाता है, किसी बात को गंभीरता से नहीं लेता। और तीसरा जो पात्र है वह है चश्मे वाला, चश्मे बेचने वाला, जो कि एक बूढ़ा लंगड़ा व्यक्ति है। चारों ओर सीमाओं से घिरे भूभाग का नाम ही देश नहीं होता। देश बनता है उसमें रहने वाले सभी नागरिकों, नदियों, पहाड़ों, पेड़ पौधों, वनस्पतियों, पशु पक्षियों से और इन सब से प्रेम करने और इनकी समृद्धि के लिए प्रयास करने का नाम ही देशभक्ति है। यही बात नेताजी का चश्मा कहानी में कहने की कोशिश की गई है। और कैप्टन चश्मे वाले के माध्यम से लेखक ने देश के करोड़ों नागरिकों के योगदान को रेखांकित किया है और यह भी बताने का प्रयास किया है कि देश के निर्माण में सभी अपने अपने तरीके से सहयोग करते हैं। कहानी यह कहती है कि बड़े ही नहीं, बच्चे भी इसमें शामिल हैं। देशभक्ति का भाव अगर एक नागरिक में है तो देश आगे अवश्य बढ़ता है। हालदार साहब को अब हर 15वें दिन कंपनी के काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरना पड़ता था। एक कस्बा था जहां से हालदार साहब महीने में दो बार गुजरा करते थे, पास होते थे उस रास्ते से। कस्बा बहुत बड़ा नहीं था। कस्बे के बारे में बता रहे हैं कि वहां पे कुछ पक्के मकान थे, एक बाजार था, एक लड़कों का स्कूल था, लड़कियों का एक स्कूल था, सीमेंट का छोटा सा कारखाना था, दो ओपन एयर सिनेमा थे, एक नगर पालिका भी थी, नगर पालिका म्यूनिसिपैलिटी। और म्यूनिसिपैलिटी का क्या काम होता है, आपने सोशल साइंस में पढ़ा है, सड़कें बनवाती हैं। उन्होंने सड़कें भी बनवाई थी उस कस्बे में, और कुछ पेशाब घर बनवाए थे, कभी कबूतरों की छतरी बनवा दे दिया करते थे, और कभी कवि सम्मेलन कम्युनिटी के लिए काम करती है म्यूनिसिपैलिटी, तो वो करवा दिया करते थे वे कभी। और एक बार इसी नगर पालिका के एक अधिकारी ने शहर के मुख्य बाजार के मुख्य चौराहे पर
नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगवा दी, जो संगमरमर की बनी थी, मतलब मार्बल की एक स्टैच्यू लगवा दी। अब यह कहानी उस प्रतिमा के बारे में है, उस प्रतिमा के बारे में भी, उसकी छोटे से हिस्से के बारे में है। और प्रतिमा हम क्यों लगवाते हैं, मूर्तियां क्यों लगवाते हैं, कहीं भी लगवाते हैं तो मूर्तियां हम महान व्यक्तियों की लगवाते हैं, और उनको लगवा के उनको जब हम देखते हैं तो उनकी स्मृति हमारे मन में बनी रहती है, और जो हमारे आगे की जनरेशन्स हैं उनको भी इस बारे में ज्ञान होता है कि ये पर्सनालिटी, ये जो व्यक्तित्व है, ये महान व्यक्ति कौन है, इसका क्या हमारे देश के विकास में या देश के लिए उसने क्या किया था। अब पाठ के अगले हिस्से में लेखक कहते हैं कि पूरी बात का तो अब पता नहीं, लेकिन लगता है कि देश के किसी अच्छे मूर्तिकार की जानकारी म्यूनिसिपलिटी को नहीं होगी, पहली बात। दूसरी बात, वे कहते हैं कि अच्छी मूर्ति की जो बनाने का खर्चा होगा, उसका जो अप्रोक्सीमेट उन्होंने एस्टिमेट लगाया होगा, वो उनके पास जितने पैसे थे, बजट जो था, उससे कहीं ज़्यादा होगा, और पैसे अप्रूव कराने के लिए जो चिट्ठी पत्री उन्होंने हायर अथॉरिटी को लिखी होगी, उसमें समय बर्बाद कर दिया होगा। तीसरा, वो अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद बोर्ड की, जो म्यूनिसिपैलिटी बोर्ड है, उसकी शासन की अवधि समाप्त हो रही होगी, उसी समय यह ख्याल आया होगा कि मूर्ति बनाई जाए, तो इतने कम समय में मूर्ति बनाने के लिए किसे कहा जाए। उन्होंने आनन फानन में जो इकलौता हाई स्कूल है, वहाँ पे एकमात्र स्कूल है, उसके टीचर को, मास्टर को, जो ड्राइंग मास्टर है मोतीलाल जी, उनको दे दिया होगा, और मोतीलाल जी ने भी उनको विश्वास दिला दिया होगा कि एक महीने में मूर्ति बनाकर पटक दी जाए। पटक देने का मतलब है कोई काम जब अरुचि से किया जाता है, अनमने ढंग से किया जाता है, तब वह काम करके पूरा कर देना नहीं होता, उसको पटक देना हम ऐसी भाषा में कहते हैं कि उसने तो जस्ट यहाँ पटक दिया है, जहाँ जब मन नहीं हो किसी चीज़ में, कोई सी काम को करने में, तो यही शब्द यूज़ किया जाता है। जैसा कि कहा जा चुका है कि मूर्ति संगमरमर की थी, टोपी की नोक, जो उनकी टोपी सर पे लगी थी, वहाँ की नोक से कोट के दूसरे बटन तक कोई 2 फुट ऊंची उसकी हाइट, जो मूर्ति, टोटल मूर्ति इतनी बड़ी थी, जिसे कहते हैं बस्ट। नीचे उनका जो हिस्सा है, वहाँ बस्ट तक मूर्ति थी, और सुंदर थी, नेताजी सुंदर लग रहे थे, कुछ कुछ मासूम कमसिन फौजी वर्दी में। मूर्ति को देखते ही दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, ये उनका नारा था जब उन्होंने आज़ाद हिंद फौज बनाई थी, वगैरह याद आने लगते हैं। इस दृष्टि से, किस दृष्टि से, जब हम कोई चित्र या मूर्ति देखते हैं तो हमें उससे संबंधित सारी बातें याद आने लगती हैं, जो हमने पढ़ा हुआ है, जो देखा हुआ है, या उसके साथ जो हमने अपना अनुभव किया है, जो समय बिताया है। किसी भी चित्र या किसी भी मूर्ति को देखते अगर हमें ऐसी कोई बातें याद आने लगती हैं, तो इसका मतलब है चित्र वास्तविकता के काफ़ी नज़दीक है। तो इस मूर्ति को देख कर जब उन्हें ये सारी बातें याद आने लगती हैं, दिल्ली चलो, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा आदि, तो उन्हें लगता है कि कलाकार की कला जीवित हो उठी है, और उसका यह प्रयास सफल और सराहनीय है। आपको पाठ में से कोई भी कथन लेके उसका आशय स्पष्ट करने को आ सकता है, तो इसी तरह से यहाँ पर यह कथन जो है लिखा है कि इस दृष्टि से यह सफल और सराहनीय प्रयास था। ऐसा क्यों कहा? क्योंकि उस मूर्ति को देखकर लेखक को उससे संबंधित बातें याद आने लगती हैं, और केवल एक चीज की कसर थी, कसर थी मीन्स कमी थी, किस चीज की, जो कि देखते ही खटक रही थी आंखों को, कहीं ना कहीं बुरा लग रहा था, मन को बुरा लग रहा था कि ये कमी इसमें नहीं होनी चाहिए। नेताजी की आंखों पर चश्मा नहीं था, यानी चश्मा तो था मगर संगमरमर का नहीं था, मूर्ति जिस पत्थर की बनी है जिसकी, उसी का होना चाहिए कायदे से, नहीं था। तो देख रहे हैं कि चश्मा जो था वो एक सामान्य और सचमुच के चश्मे का, रियल चश्मे का चौड़ा काला फ्रेम था। हालदार साहब ने जब पहली बार कस्बे से गुजरते हुए यह देखा, तभी इस बात को लक्षित कर लिया था, नोट कर लिया था कि ऐसा कुछ इसमें कमी है, ऐसा कुछ इसमें नजर आ रहा है, और आश्चर्य भरी मुस्कान उनके चेहरे पर फैल गई थी।
उन्होंने मन में सोचा कि चलो यह भी आइडिया ठीक है, यह भी विचार ठीक है कि मूर्ति तो पत्थर की है, चश्मा रेल लगा दिया है। अब जो उनकी जीप है वो कस्बा छोड़कर आगे बढ़ गई। तब भी वह इसी बारे में सोचते रहे और अंत में इस बात पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे, कंक्लूजन पर पहुंचे कि चलो जो भी है, कुल मिलाकर कस्बे के नागरिकों का यह प्रयास सराहनीय ही कहा जाना चाहिए, अप्रिशिएबल, इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। उन्होंने जो कुछ भी किया, चाहे चश्मा अगर नहीं था तो उसको रियल चश्मा पहना दिया गया, बहुत अच्छी बात है। इसका मतलब उनके मन में, नागरिकों के मन में कितना श्रद्धा भाव है सुभाष चंद्र बोस जी के प्रति। महत्व मूर्ति के रंग रूप और कद का नहीं, उसकी उस भावना का है, उस फील का है। वरना तो देशभक्ति आजकल मजाक की चीज होती जा रही है। अब ये जो सेंटेंस लेखक ने लिखा है कि देशभक्ति भी आजकल मजाक की चीज होती जा रही है, वाकई में आज जो वर्तमान स्थिति है उस स्थिति में आप देखें, देशभक्त अगर कोई सच्चे अर्थों में बनने की कोशिश करता है तो उसको मूर्ख बताते हैं। देशभक्ति आउट ऑफ फैशन हो गई है। और देशभक्ति किस बारे में होती है? आप पॉप सॉन्ग्स बना लो, देशभक्ति से रिलेटेड कोई मूवी बना लो तो उसमें आपका स्टाइल हो गया। तो देशभक्ति जो है वो एक मजाक की चीज बना के रख दी है। देशभक्ति क्या है? हमें अपने देश की प्रगति के बारे में सकारात्मक विचार रखने चाहिए, जो कि आज अधिकतर लोग अपने मन में नहीं रखते। देश की बुराई करना, देश के बारे में आलोचना करना, जो अच्छे प्रयास हो रहे हैं उनको ना देख के उनको अनदेखा कर देना, अपने ही देश के बारे में बुरा बोलना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं लेखक को कहीं ना कहीं खटक रही हैं, जो उन्होंने इस कहानी में इस बात के जरिए बता दी कि देशभक्ति जो है वो आजकल मजाक की चीज़ होती जा रही है। अगर कोई देशभक्ति की बात करता है तो उसे मूर्ख बना दिया जाता है, देशभक्ति केवल फिल्मों और देशभक्ति गानों में सिमट कर रह गई है। दूसरी बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो उन्हें मूर्ति में कुछ अंतर दिखाई दिया। उन्होंने ध्यान से देखा तो देखा कि चश्मा कोई दूसरा है। पहले मोटे फ्रेम वाला चौकोर चश्मा था, अब जो है वो तार के फ्रेम वाला गोल चश्मा है। हालदार साहब का कौतुक, उनका जो जिज्ञासा थी और अधिक बढ़ गई, क्यूरियोसिटी बढ़ गई, कौतुक। भाई वाह, क्या आइडिया है, मूर्ति कपड़े तो बदल नहीं सकती, चलो चश्मा ही बदल दिया। ऐसा उनके मन में विचार आया, शायद किसी ने जानबूझ के ऐसा किया है। अब तीसरी बार जब वे गुजरे तब तीसरा नया चश्मा उन्होंने देखा। तो हालदार साहब की एक आदत पड़ गई कि जब भी इस कस्बे से गुजरे चौराहे पर रुकते और पान खाते और मूर्ति को ध्यान से देखते। एक बार उन्होंने, जब उनका ये जो इनकी क्यूरियोसिटी जो है वो बिल्कुल उनसे कंट्रोल नहीं हुई, तो उन्होंने पूछ ही लिया। किससे पूछा? पान वाले से, क्योंकि पान वाले के पास रुकते थे खाना पान खाने के लिए। क्यों भाई, क्या बात है, तुम्हारे नेताजी का चश्मा तो हर बार बदल जाता है। पान वाले के खुद के मुंह में पान ठूंसा हुआ था, जैसे बताया पान वाले का जो चित्रण उन्होंने किया है लेखक ने, वो बिल्कुल एक टिपिकल पान वाले की तरह किया है। जैसे कि हमारे दिमाग में पान वाले के नाम से एक चित्र आ जाता है, बिल्कुल वैसा ही चित्र इन्होंने बनाया है। एक काला मोटा खुशमिजाज, हर समय हंसते रहने वाला खुशमिजाज आदमी था। हालदार साहब का प्रश्न सोच के सुनकर वह आंखों ही आंखों में हंसा। मनी मन उसने कोई बात सोची होगी और आंखों आंखों में हंसने लगा। उसकी तोन थिरकी, दबी हंसी हंसा। पीछे घूमकर उसने दुकान के नीचे पान थूका और अपनी काली लाल बत्ती सी जो पान खा खा के उसके दांत गंदे हो गए, उसको उन्होंने बताया यहाँ पे कि दिखाकर बोला, कैप्टन चश्मे वाला करता है। किसी व्यक्ति के बारे में बताया जिसका नाम कैप्टन चश्मे वाला। अब हालदार साहब समझ नहीं पाए क्या करता है, चश्मा चेंज कर देता है। क्या मतलब, क्यों चेंज कर देता है? हालदार साहब भी नहीं समझ में आया। अब वो पान वाला अपनी भाषा में, अपनी बोली में बता रहा है, कोई ग्राहक आ गया समझो, मतलब अगर हम इसे हिंदी में कहें तो, मान लो कोई ग्राहक आ गया, उसको चौड़े चौखट चाहिए, मतलब उसको चौड़े फ्रेम वाला चश्मा चाहिए, तो कैप्टन किधर से लाएगा, तो कैप्टन कहाँ से लाएगा, तो उसको मूर्ति वाला दे दिया, मतलब मूर्ति वाला जो उसने पहनाया था मूर्ति को, वो उतार के उसको दे दिया, उधर दूसरा बिठा दिया, उधर दूसरा चश्मा लगा दिया, मतलब मूर्ति को उन्होंने दूसरा चश्मा पहना दिया। अब हालदार साहब को कुछ बात समझ में आने लगी कि एक चश्मा वाला है जिसका नाम कैप्टन है, उसे नेताजी की बगैर चश्मे वाली मूर्ति बुरी लगती होगी,
बल्कि उसे आहत करती होगी, उसको हर्ट करती होगी। मानव चश्मे के बगैर नेताजी को असुविधा हो रही हो, इसीलिए वह अपनी छोटी सी दुकान में उपलब्ध गिने चुने फ्रेमों में से कोई एक नेताजी की मूर्ति पर फिट कर देता होगा, ऐसा वो अंदाजा लगा रहे हैं उसकी बात सुन के। हालदार साहब सोच रहे हैं, लेकिन जब कोई ग्राहक आता है तो उसे वैसे ही वैसे फ्रेम की जरूरत होती है, दरकार मीन्स जरूरत होती है, जैसा फ्रेम मूर्ति पर लगा है। तो कैप्टन उसको मूर्ति वाला उतार कर संभवतः नेताजी से क्षमा मांगते हुए लाकर ग्राहक को दे देता होगा, और बाद में नेताजी को दूसरा फ्रेम लौटा देता होगा, उनके चेहरे पे कोई और फ्रेम लगा देता होगा। भाई वाह, खूब अच्छा आइडिया है, उनके मन में ये बात आने लगती है और वो इस बात को अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन भाई एक बात अब भी समझ में नहीं आई कि नेताजी का ओरिजिनल चश्मा कहाँ गया। भाई मूर्ति बनी है तो नेताजी की बनी है, तो कोई चश्मा तो लगा होगा, वो ओरिजिनल चश्मा कहाँ है? मूल ओरिजिनल मतलब जो मूल रूप से जो पहले था उनका चश्मा, वो कहाँ है? पान वाला दूसरा पान मुंह में ठूंस चुका था, दोपहर का समय था, दुकान पर भीड़ अधिक नहीं थी, तो उसके पास समय था बात बताने के लिए, कहानी उसकी बातों का जवाब देने के लिए। फिर आंखों ही आंखों में वह सा उसकी टोन थिरकी, कत्थे की डंडी, कत्था क्या होता है वो जो व्हाइट कलर जो रेडिश कलर का होता है, शायद रेडिश ब्राउन, वो पान में लगाते हैं चूना कत्था, तो वो कत्थे की डंडी फेंक कर पीछे मुड़कर उसने नीचे पीक थूकी और मुस्कुराता हुआ बोला, मास्टर बनाना भूल गया। मास्टर कौन? जो मोतीलाल जो स्कूल के मास्टर, ड्राइंग मास्टर जिन्होंने ये मूर्ति बनाई। पान वाले के लिए तो यह एक मजेदार बात थी, लेकिन हालदार साहब के लिए चकित और द्रवित कर देने वाली, चकित करने वाली मतलब कि एक आश्चर्य उन्हें इस बात पे हुआ कि एक मूर्ति बनाने वाला कैसे चश्मा बनाना कैसे भूल गया। वे पूछ रहे हैं, ओके दोबारा, हालदार साहब को यह सब कुछ बड़ा ही विचित्र और कौतुक भरा लगा, मतलब आश्चर्य उनको हुआ कि ऐसा हुआ कैसे। इन्हीं ख्यालों में खोए खोए पान के पैसे चुकाकर चश्मे वाले की देशभक्ति के समक्ष नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक आदर भाव से सिर झुका लेना किसी के प्रति, तो यहाँ वे किसके प्रति नतमस्तक थे? चश्मे वाले की देशभक्ति के प्रति। और वे जीप की तरफ चल पड़े, फिर रुके, फिर मुड़े, पान वाले के पास जाकर पूछा, क्या चश्मे वाला जो कैप्टन है ये नेताजी का कोई साथी है या फिर आजाद हिंद फौज का भूतपूर्व यानी पहले कभी रहा सिपाही? पान वाला नया पान खा रहा था, पान पकड़े अपने मुंह को मुंह से 1.5 इंच दूर रोककर उसने हालदार साहब को ध्यान से देखा, फिर अपनी लाल काली बत्ती सी दिखाई और मुस्कुराकर बोला, नहीं साहब, वो लंगड़ा यानी जो पांव से अपाहिज है क्या जाएगा फौज में, आर्मी में क्या जाएगा? पागल है पागल, वो देखो वो आ रहा है, आप उसी से बात कर लो, फोटो वोटो छपवा दो उसकी कहीं, मतलब मजाक बना रहा है उसका। हालदार साहब को पान वाले द्वारा एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाया जाना अच्छा नहीं लगा, उन्हें नहीं अच्छा लगा कि इस तरह से उसका उपहास ये पान वाला उड़ा रहा है। मुड़कर देखा तो अवाक रह गए, हैरान रह गए, एक बेहद बूढ़ा मरियल सा लंगड़ा आदमी सिर पर गांधी टोपी और आंखों पर काला चश्मा लगाए, एक हाथ से एक छोटी सी संदूकची जो संदूक से थोड़ा छोटी होती है, पतली सी लोहे की पेटी, और दूसरे हाथ में एक बांस पर टंगे बहुत सारे चश्मे लिए अभी अभी एक गली से निकला था और अब एक बंद दुकान के सहारे अपना बांस टिका रहा था। आपने देखा होगा बहुत से जिनकी दुकानें नहीं होती हैं, वो इस तरह के बांस के बड़े से उस पर फ्रेम पर चश्मे लगा के और बेचते हैं, तो इस बेचारे की दुकान भी नहीं, हालदार साहब सोच रहे, फेरी लगाता है मतलब घूम घूम कर वह अपना सामान बेचता है। हालदार साहब चक्कर में पड़ गए, वह कंफ्यूज हो गए, चक्कर में पड़ गए, कंफ्यूज होना संदेह में हो जाना, पूछना चाहते थे कि इसे कैप्टन क्यों कहते हैं, क्या इसी यही इसका वास्तविक नाम है? लेकिन पान वाले ने तो साफ कह दिया था कि वह इस बारे में और बात करने को तैयार नहीं, वह कुछ नहीं बताना चाहता। इधर ड्राइवर भी बेचैन हो रहा था, वो भी रेस्टलेस हो रहा था कि भई ये साहब अब वापस चलें, काम भी था। हालदार साहब जीप में बैठकर चले गए। 2 साल तक हालदार साहब अपने काम के सिलसिले में उस कस्बे से गुजरते रहे, नेताजी की मूर्ति पर बदलते हुए चश्मों को देखते रहे, कभी गोल, कभी चौकोर, कभी लाल, कभी काला, कभी धूप का, कभी बड़े बड़े कांच वाला गोगो चश्मा, और कोई ना कोई चश्मा होता जरूर था। इस धूल भरी यात्रा में हालदार साहब को कौतुक और प्रफुल्लता के कुछ क्षण देने के लिए
ये चश्मा उनको खुशी का मौका देता था, उनको खुश कर देता था, उनके मन में प्रफुल्लता भर देता था। एक बार ऐसा हुआ कि मूर्ति के चेहरे पर कोई भी कैसा भी चश्मा नहीं था। उस दिन पान की दुकान भी बंद थी, चौराहे की अधिकांश दुकानें बंद थी, अधिकतर दुकानें बंद थी। अगली बार भी मूर्ति की आंखों पर चश्मा नहीं था। हालदार साहब ने पान खाया और धीरे से पान वाले से पूछा, क्यों भाई, क्या बात है, आज तुम्हारे नेताजी के आंखों पर चश्मा नहीं है? पान वाला उदास हो गया, यानी उसे दुख था किसी बात का। उसने पीछे मुड़कर पान थूका और सिर झुकाकर अपनी धोती के सिर से आंखें पोंछता, मतलब उसे उसकी आंखों में आंसू आ गए थे, वह दुखी हो गया था। साहब, कैप्टन मर गया। और कुछ नहीं पूछ पाए हालदार साहब, यानी कैप्टन के मरने का दुख उस पान वाले को अवश्य था। उसने जब हालदार साहब के प्रश्नों का जवाब दिया था, उसका मजाक जरूर उड़ाया था, हंसा जरूर था, परंतु उस कैप्टन के प्रति उसके भी मन में अच्छे भाव थे और उसके प्रति मोह था। तभी जब आज वह जिंदा नहीं है तो उसकी याद में उसकी आंखों में आंसू आ गए हैं। तो वे कह रहा है कि पानवाला कह रहा है, पानवाले का हृदय भी भावुक हृदय है, साहब कैप्टन मर गया। और वे कुछ नहीं पूछ पाए, कुछ पल चुपचाप खड़े रहे, क्योंकि उन्हें भी दुख लगा इस बात को सुन के, इस खबर को सुनकर। फिर पान के पैसे चुकाकर जीप में आ बैठे, रवाना हो गए, वहां से चले गए। बार बार सोचते क्या होगा उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जीवन यानी जिंदगी जवानी सब कुछ होम कर देने वालों पर भी हंसती है। यह बात उन्होंने क्यों सोची? क्योंकि जितनी दो पिछली कुछ बार जब वे गुजरे थे वहां से, उन्होंने उनके चेहरे पर, मूर्ति के चेहरे पर चश्मा नहीं देखा। यानी जो सारी देशभक्ति वह इस लंगड़े चश्मे वाले में ही थी। बाकी नागरिकों के मन में कोई भाव नहीं है कि इस मूर्ति पर चश्मा लगा दिया जाए। उस मूर्ति की कमी किसी को नहीं खल रही है, उस मूर्ति में जो कमी है वह किसी को नहीं खटक रही है। ये बात उन्होंने मन में सोची और तब उनके मन में यह बात आई उस कौम का जो अपने देश के खातिर घर गृहस्थी जवानी जिंदगी सब कुछ होम कर देने वालों पे हंसती है। जो लोग, जो नागरिक, जो जनता उन लोगों पर हंसती है, जैसा कि पानवाला हंसा था, किस पर? ऐसे व्यक्ति पर जो होम कर देने का मतलब है सब कुछ न्योछावर कर देना, सब कुछ त्याग देना, सब कुछ लुटा देना, अपना पूरा जीवन देश के लिए जो लगा देते हैं, उन लोगों पर अगर कोई हंसता है तो उस कौम का क्या होगा? और वह कौम जो बिकने के मौके ढूंढती रहती है, आज ऐसे लोग हैं हमारे भी देश में, हमारी जनता में भी ऐसे लोग हैं जो बिक जाते हैं, जो पैसे के लिए अपने देश के अगेंस्ट बोलते हैं, विरुद्ध बोलते हैं और विरुद्ध कार्य करते हैं, देश के हित के विरुद्ध कार्य करते हैं, बिक जाते हैं। ऐसी कौम जो बिकने के मौके ढूंढती है, तो उस कौम का क्या होगा, उस देश का क्या होगा? दुखी हो गए वे, ये बात सोचकर दुखी हो गए। 15 दिन बाद फिर उसी कस्बे से गुजरे। कस्बे में घुसने से पहले ही ख्याल आया कि नहीं, वे कस्बे की हृदय स्थली यानी जो उनका जो सेंटर है कस्बे का चौराहा, वहां सुभाष की प्रतिमा को वे नहीं देखेंगे, क्योंकि प्रतिमा भी होगी, मूर्ति भी अवश्य वहां पे होगी, प्रतिष्ठित लगी होगी और उसकी आंखों पर यकीनन चश्मा नहीं होगा, क्योंकि पिछले 2-3 बारों से वे देख रहे थे। क्योंकि मास्टर बनाना भूल गया तो, और कैप्टन मर गया तो अब कौन लगाएगा उसकी आंखों पे चश्मा? आज वहां नहीं रुकेंगे, पान भी नहीं खाएंगे, मूर्ति की तरफ देखेंगे ही नहीं। वे बहुत आहत थे इस बात से, पिछली कुछ बार होते जबकि कैप्टन मर चुका है, उसके बाद भी किसी ने उस मूर्ति को चश्मा नहीं लगाया। बात चश्मे और मूर्ति के कदरंग काठी से नहीं, बात है भावनाओं की। ड्राइवर से कह दिया कि चौराहे पर रुकना नहीं, आज बहुत काम है, पान आगे कहीं खा लेंगे। लेकिन आदत से मजबूर आंखें, क्योंकि एक
हैबिट हो गई थी, उनकी एक आदत हो गई थी, आंखें अपने आप ही उस तरफ, गर्दन उस तरफ मुड़ जाती थी, आंखें अपने आप ही उस मूर्ति को देखती थी, ढूंढती थी उनकी आंखों पर चश्मा। तो आंखें चौराहा आते ही मूर्ति की तरफ उठ गई अपने आप, कुछ ऐसा देखा कि चीखे रुको। जीप स्पीड में थी क्योंकि पहले ही ड्राइवर को बता दिया कि भाई नहीं जाना, नहीं रुकना, नहीं है पान नहीं खाना। ड्राइवर ने जोर से ब्रेक मारे, रास्ता चलते लोग देखने लगे। जीप रुकते ना रुकते हालदार साहब जीप से कूदकर तेज तेज कदमों से मूर्ति की तरफ लपके उसके ठीक सामने जाकर अटेंशन में खड़े हो गए। मूर्ति की आंखों पर सरकंडे से बना छोटा सा चश्मा रखा हुआ था, जैसा कि बच्चे बना लेते हैं, यकीनन यह किसी बच्चे ने ही बनाया होगा। और हालदार साहब यह देखकर भावुक हो गए, इमोशनल हो गए। इतनी सी बात पर उनकी आंखें भर आईं, इतनी सी बात लेखक ने लिखा है, लेकिन क्या यह इतनी सी बात है? नहीं, यह एक बड़ी बात है, क्योंकि यह बता रही है कि अगर यह चश्मा वाकई किसी ने, बच्चे ने बनाया है, तो अभी भी इस देश के लिए उम्मीदें बची हुई हैं, इस देश का नुकसान नहीं होगा, क्योंकि आज एक बच्चे ने चश्मा बनाकर नेताजी की आंखों पर लगा दिया। यह इस बात को दिखा रहा है कि हमारी जो पीढ़ी है, आगे आने वाले नागरिक हैं, हमारे देश के भावी नागरिक हैं, जो आज के बच्चे हैं, उनमें ये भावना पनप रही है, देशभक्ति की भावना आ रही है। सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे? इसका कोई वाजिब कारण तो कहीं भी नहीं दिया हुआ कहानी में, परंतु हम अंदाजा लगा सकते हैं, हम कह सकते हैं कि चश्मे वाला नेताजी की मूर्ति को चश्मा पहनाकर उसका अधूरापन दूर करता था। उसके मन में नेताजी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, आदर भाव था, अपने देश के स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति आदर भाव उसके मन में रहा होगा, और नेताजी के प्रति उसके मन में बहुत अधिक आदर भाव था, इसलिए वह उस अधूरी मूर्ति को नहीं देख पाता होगा। और गरीब होते हुए भी वह जो उससे बन पड़ता था उस कमी को पूरा करने के लिए करता था। एक फौजी के मन में अपने देश के प्रति, अपने देश के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं उनके प्रति जो आदर भाव, सम्मान भाव होता है, वही इस चश्मे वाले के मन में भी था। इसी भावना को देखते हुए लोगों ने उसको कैप्टन कहना शुरू कर दिया होगा। कैप्टन फौज में पद सूचक शब्द है। दूसरा प्रश्न, हालदार साहब ने पहले ड्राइवर को चौराहे पर गाड़ी रोकने के लिए मना किया था, लेकिन बाद में तुरंत रोकने के लिए कहा। तो पहला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का जो पार्ट है वो ये है कि हालदार साहब पहले मायूस क्यों हो गए थे? मायूस इसलिए हो गए थे क्योंकि उनको पता था कि कैप्टन की मृत्यु हो चुकी है, और पिछले 2-3 बार से जब भी वे चौराहे से गुजरे हैं वहाँ मूर्ति पर कोई चश्मा नहीं था, और उनको ऐसा लग रहा था कि इस बार भी वहाँ कोई चश्मा नहीं होगा, मूर्ति अधूरी दिखाई देगी, इसीलिए वे मायूस थे। पार्ट दूसरा इसका इस प्रकार है कि क्वेश्चन का दूसरा हिस्सा, मूर्ति पर सरकंडे का चश्मा क्या उम्मीद जगाता है? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मूर्ति पर लगा सरकंडे का चश्मा यह उम्मीद जगाता है कि देश के बच्चे, जो कि हमारी भावी पीढ़ी हैं, उनके मन में स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति श्रद्धा भाव है, वे उनके सम्मान की रक्षा करने में समर्थ हैं, और यह बात उनके भीतर देशभक्ति की भावना को भी दिखाती है। इतनी सी बात पर हालदार साहब भावुक क्यों उठे? अब इतनी सी बात आम जनता के लिए होगी, सामान्य लोगों के लिए होगी, परंतु हालदार साहब हर बात को, हर किसी के अच्छे कार्य को सराहते थे, संवेदनशील थे, और जब उन्होंने देखा एक बच्चे ने सरकंडे का चश्मा उस मूर्ति को लगा दिया, तो उन्हें बहुत अच्छा लगा, और यह उनके लिए इतनी सी बात ना हो कि बहुत बड़ी बात थी, उनके मन को छू गई, उनके भावों को उस बात ने इतना छेड़ दिया कि वे इमोशनल हो गए, भावुक हो गए। तो यह बात कि एक बच्चे के मन में देशभक्ति की भावना जागी है, उसके मन में
स्वतंत्रता सेनानी के प्रति आदर है और अब उन्हें लगा कि हमारा देश भावी पीढ़ी के हाथों में सुरक्षित है, क्योंकि वे जानते हैं कि किस तरह एक स्वतंत्रता सेनानी के मान की रक्षा की जा सकती है। ये सभी भावनाएं जब उनके मन में उठी तो वे भावुक हो उठे।